a very very good morning to all my dear students so class again today we are going to revise lesson whale in the sky this is chapter 12 so children today we are going to revise Aaj hum log kya revise karingi log chapter 12 whale in the sky revise karingi aapki literature book mehe or page number 102 so please open your literature book open page number 102 एंड द चैप्टर इन द स्काई दिस इज चैप्टर ट आई होप चिल्ड्रेन आपको लेसन का नाम क्लियरली दिखाई दे रहा होगा ओके okay. सो so, ये चैप्टर क्या है चिल्ड्रन ये एक चैप्टर है जिसमें एक दादू है और एक मुजना है मुजना क्या है एक छोटा सा लड़का है आपको इस पिक्चर में एक दादू दिख रहे हैं और एक मुजना है जो बैठकर क्या कर रहे हैं चिल्ड्रन जो बैठ कर क्लाउड्स को वॉच कर रहे हैं Why? क्योंकि उन्हें क्लाउड्स को वॉच करना देखना बहुत पसंद है सो so, दादू एंड मुजना लव वॉचिंग क्लाउड्स डिड यू नो दैट योर नेम कम्स फ्रॉम द क्लाउड्स जो दादू है और जो मुजना है उन्हें क्लाउड्स को देखना बहुत पसंद है और उसके जो दादू है वो क्या कह रहे हैं मुस्ना से डिड यू नो दैट योर नेम कम्स फ्रॉम द क्लाउड्स वो कह रहे हैं तुम्हारा जो नाम है वो किससे आया है वो क्लाउड से आया है वो बादलों से बना है मुजना मीन्स द क्लाउड दैट कैरी द रेन सेज दादू मुजना का मतलब है जो बारिश से भरे हुए क्लाउड्स होते हैं जो बादल जो क्लाउड्स बारिश को कैरी करते हैं उनका मतलब होता है मुजना इसीलिए जो तुम्हारा नाम है वो क्लाउड से बना है सी ये कौन है चिल्ड्रन ये दादू हैं और ये मुजना है देयर आर सो मेनी शेप्स इन द क्लाउड्स अ कालि फ्लावर अ मस्टैक्स अ क्रिसेंट मून सी चिल्ड्रेन मुश्ताक मींस क्या होता है मुछे. और मून क्या होता है जो हाफ मून आपको दिखाई देता है स्काई में वो उसे हम क्रिसन मून बोलते हैं जो मुजना है वो अपने दादू से क्या कह रहा है वो अपने दादू से ये कह रहा है दादू यहाँ पर जो क्लाउड्स हैं उसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बन रहे हैं कोई शेप मुश्ताक जैसा है कोई शेप हाफ मून जैसा है कोई शेप कॉलीफ्लावर जैसा है और वो लोग क्या कह रहे हैं हाँ, इसमें क्लाउड से बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बन रहे हैं सी मुजना स्पॉट अ डॉग शेप वन इट हैज सच अ और जो मुजना है वो क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि देखो आसमान में एक डॉग जैसा शेप बन रहा है और जो उस डॉग के शेप वाला क्लाउड है उसकी जो नोज है वो क्या है सो so बिग बहुत ज्यादा बड़ी है तेन चिल्ड्रन मुजना एंड दादूसी ये दोनों क्या कर रहे हैं ये दोनों क्लाउड्स को वॉच कर रहे हैं और देखिए उसके दादू मुजना को आसमान में जो क्लाउड्स हैं उनसे बनने वाली चीजों को दिखा रहे हैं an like दादू और दादू क्या कह रहे हैं मुजना देखो इन क्लाउड से एनिमल्स के भी शेप दिख रहे हैं ने क्या कहा really? रियली ने पूछा वेल एंड इट लिव्स इन मी मोर से मोजना और मुजना ने क्या बोला सी मुजना को क्या दिख रहा है आसमान में उसको एक वेल दिख रही है और वेल कैसी लग रही है उसको ऐसा लग रहा है कि ये जो वेल है ये एक ओशन के समा, ओशन के अंदर है ओके? तो वो अपने दादू को बता रहा है कि देखिए दादू ये जो क्लाउड है ये बिल्कुल वेल की तरह है और इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि ये एक ओशन के अंदर है क्योंकि चिल्ड्रन आपको मालूम है जो वेल होती है वो किस में रहती है वो ओशन में रहती है और वो बहुत बिग होती है ओके नाउ वेल देर आर मेनी काइंड ऑफ वेल बट द साइज ऑफ दिस क्लाउड मेक मी थिंक ऑफ अ ब्लू वेल द ब्लू वेल इज द बिगेस्ट एनिमल दैट हैव एवर लिव्ड ऑन अर्थ Much bigger bigger than than a dinosaur and much much bigger than an elephant, dadu. Dadu क्या कहा कि मुझे इस वेल को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये एक ब्लू वेल के समान है और आपको मालूम है children जो ब्लू whale होती है वो हमारे अर्थ में अर्थ में सबसे बड़ा एनिमल होता है इट इज सच बिगेस्ट एनिमल ओके और ये किससे बड़ा होता है ये डायनासोर से भी बड़ी होती है और ये एलिफेंट से भी बड़ी होती है ब्लू वेल सबसे बड़ी होती है इट इज बिगेस्ट एनिमल ओके तो उसका दादू जो है मुजना का वो यही बता रहा है मुजना को कि ये जो ब्लू व्हेल होती है ये सबसे बड़ी होती है डायनासोर से भी और एलिफेंट से भी और वो ये भी बता रहा है चिल्ड्रेन कि अगर हम इस ब्लू वेल के हाथ के अंदर बैठ भी सकते हैं इट इज सो बेग दैट यू वुड बी एबल टू इट्स ये इतना बड़ा होता है इसका हाथ कि उसके अंदर हम बैठ भी सकते सी चिल्ड्रन ये ब्लू वेल आपको दिख रही है ओशन के अंदर ये सबसे बिग होती है चिल्ड्रेन ओके सी ये कौन है ये मुजना है और मुजना क्या कर रहा है इमेजिन कर रहा है चीजों को क्लाउड ल, जमीन पे लेट गया है और वो लेट कर क्लाउड्स को देख रहा है और उनसे इमेजिन कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट चीजों को सी यहाँ पर वो लेटा हुआ है और इमेजिन कर रहा है यहाँ पर भी चिल्ड्रेन वो बैठ कर खड़ा हुआ है और क्या कर रहा है इमेजिन कर रहा है. और वो इमेजिन क्या कर रहा है एक वेल को कर रहा है हमारे इसका टॉपिक भी चिल्ड्रेन क्या है वेल इन द स्काई ओके okay, सी चिल्ड्रेन यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं जो हमें क्लाउड से बनते हैं और वो यही सारे चीजों को इमेजिन कर रहा है उसने क्या क्या इमेजिन किया मुजना ने क्लाउड्स को देखकर मुजना ने क्लाउड्स को देखकर चिल्ड्रेन इमेजिन की क्रिसन मून इमेजिन इमेजिन किया किया एक डॉग इमेजिन किया जिसकी नोज बहुत बिग थी और लास्ट में उसने क्या इमेजिन किया उसने एक वेल को इमेजिन किया और उसके बाद उसने उसके दादू ने भी उसको ये बताया कि इस वेल को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये एक ब्लू वेल के समान है तो चिल्ड्रन ये जो हमारा टॉपिक है ये क्या है वेल इन द स्काई हमने प्रीवियस में आपको चिल्ड्रन ये ऑलरेडी इसका वीडियो शेयर किया था इसको हमने रीड किया था आज मैंने आपको ओरली रिवीज़न दिया है चिल्ड्रन और तो चिल्ड्रन हम लोग क्या करेंगे इस लेसन की स्पेलिंग्स को भी लर्न करेंगे कौन कौन सी स्पेलिंग्स है चिल्ड्रन इसमें दादू मुजना वॉचिंग क्लाउड्स ओके okay. अगेन देन शेप्स मुश्ताक्स कॉलीफ्लावर क्रिसेंट मून Okay, then please turn the page, children. Then, really. Then, ocean. Bigger. Dinosaur. Animal. Okay. Then, floating. Okay. Whale cloud. Then, turn the page. Then, children.

इन द स्काई के आप लोग हार्ड वर्ड्स को याद करेंगे सो दिस इज द रिविजन वर्क चिल्ड्रेन एंड यू हैव टू लर्न ऑल हार्ड वर्ड्स प्लीज चिल्ड्रेन रीड दिस लेसन ऑल्सो ओके एंड प्लीज चिल्ड्रेन कंप्लीट ऑल वर्क इस लेसन का जितना भी वर्क मैंने आपको कराया है चिल्ड्रेन उसे भी आप कम्प्लीट कर लीजिएगा ऑल राइट सो चिल्ड्रेन प्लीज कम्प्लीट ऑल वर्क ओके And learn all spellings. All right, children. So I hope children, Apoye lesson up clearly, Samajme hoga. So please learn this lesson, read this lesson, learn all hard words, learn all your exercises. And children, take care, and children, thank you so much.